15 साल की लंबी मांग के बाद में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने पिछली बार कोटा में सिटी बसों का संचालन किया था। पूरे देश के अंदर सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पे जो भैंस छिड़ी हुई है, ईंधन बचत को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, 15 वर्षों की लंबी मांग के बाद में कोटा के अंदर पिछले निगम बोर्ड के अंदर सिटी बसों का संचालन हुआ और लगातार संचालन चलता रहा। बोर्ड और प्रशासन कहता रहा कि घाटे में संचालन की कमी के कारण वो घाटे में रहा, ऐसा उनका कहना है। आज सरकार और संचालन समिति के बीच के विवाद में कोटा के अंदर सिटी बसें बंद हो गई हैं और 10,000 से ज़्यादा लोग जो रोज़ाना नियमित रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे थे, आज एक महती आवश्यकता फिर सपना बन के रह गई है। आज हम प्रशासन को, भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से हम लोग चेताने आए हैं कि निश्चित रूप से सिटी बस की सेवा चालू करनी चाहिए और जो बार बार अखबार में आप देते हैं कि बजट आने के बाद में कंपनी से विवाद सुलझा लिया जाएगा, तो ऐसी कंगाल सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि बजट के अभाव के अंदर आम जनता को त्रस्त करना बंद करें और निश्चित रूप से अगर सिटी बसें चालू नहीं हुई तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा।